विपसी बुद्ध। पाली परंपरा में विपसी 19वें बुद्ध माने जाते हैं। उनका जन्म बंधुमती के खेम उद्यान में हुआ था। उनकी माता का नाम भी बंधुमती था। उनके पिता का नाम बंधुम था, जिनका गोत्र कौंडिन्य था। उनका विवाह सूपना के साथ हुआ था, जिससे उन्हें संवत्तसंग नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। एक रथ पर सवार हो उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का परित्याग किया था। तत 8 महीने के तप के बाद उन्होंने एक दिन सुत्सन सेठी की पुत्री के हाथों खीर ग्रहण कर पातली वृक्ष के नीचे बैठ संबोधि प्राप्त की। उस वृक्ष के नीचे उन्होंने जो आसन बनाया था, उसके लिए सुजात नामक एक व्यक्ति ने घास दी थी। संबोधि प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने भाई संग और अपने कुल पुरोहित पुत्र लिस्को खुयमित्र दाय में दिया था। अशोक उनके मुख्य उपासक थे तथा चंदा एवं चंद्रमिता उनकी मुख्य उपासिकाएं थी। पुनर्बसुमित एवं नाग उनके मुख्य प्रश्रयदाता तथा सिरिमा एवं उत्तरा उनकी प्रमुख प्रश्रयदात्र थी। 80,000 वर्ष की अवस्था में वे परिनिवृत्त हुए। विपसी बुद्ध के काल में बोधिसत्व अतुल नामक नागराज के रूप में जन्मे थे। तब उन्होंने विपसी बुद्ध को एक रत्न जड़ित स्वर्ण आसन प्रदान करने का गौरव प्राप्त किया था।